तो कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों? देखो गाइस, आपने ज्यादातर मेरे चैनल पे माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज वाली वीडियो में मैं आपको अपना रूम टूर देने वाला हूँ जो कि मैंने यूट्यूब मनी से बनाया। तो उससे पहले आप सिनेमैटिक्स देख लो। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको अपना गेमिंग व्हील दिखाने वाला हूँ। इसको मैंने रिसेंटली परचेज करा है। इससे मैं अपना मस्त गेमिंग वाली जो भी रेसिंग वाले गेम्स होते हैं उसको खेलता हूँ। और ये जो टेबल है ना, इसको मैंने स्पेसिफिकली इसी भाई साहब के लिए बनवाया है। और जो मेरे पीछे वॉल है, एक टाइम पर ये पूरी खाली पड़ी थी, तो इस खाली वॉल के लिए मैंने आज ही ये ऑर्डर करवाया ताकि भाई मैं अपने सेटअप में आपको ये दिखा सकूं। देखो ये कैनवस कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। लेकिन आपकी नजर अभी मेरे पीछे जा रही होगी क्योंकि वहां पर है माइंड फ्लक्स का एक प्यारा सा बोर्ड। भाई ये बोर्ड मेरे को इतना प्यारा लगता है ना कि भाई जो भी रूम में घुसता है वो कहता है वाह भाई तेरे यूट्यूब चैनल का एक बोर्ड लगा हुआ है। फिर ये वॉल उससे भी ज्यादा प्यारी क्योंकि यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं एनिमे फिगर्स। और ये एनिमे फिगर्स यार बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। सिर्फ इस वॉल के लिए मैंने 10-15 हजार रुपए खर्च कर रखे हैं, लेकिन स्टिल भाई वर्थ इट है। ये वॉल बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पर हमारे YouTube प्ले बटन रखे हुए हैं। देखो जरा यार कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक बात तो आपको समझ आ गई होगी भाई, इतने सारे एनिमेज हैं, टीवी में भी एनिमे चल रहा है, स्क्रीन में भी एनिमे चल रहा है। भाई मैं एनिमे लवर हूँ, सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा एनिमे देखता हूँ अपने फ्री टाइम में। और इसी बात पर ऊपर जाकर देखो जरा भाई, वहाँ पर भी कुछ पोस्टर्स हैं जिसको मैंने फ्रेम करवा रखा है। कमेंट में जो भी मेरे को इनके नाम बताएगा ना भाई, मैं उनके कमेंट को लाइक करने वाला हूँ। बात करते अपने सेटअप की, ये अपनी प्यारी सी गेमिंग चेयर। भाई गेमिंग चेयर तो यार ऑब्वियसली गेमिंग सेटअप में होनी चाहिए। ये अपने वायरलेस हेडफोन, भाई वायर नहीं दिखनी चाहिए, उसकी वजह से आपका सेटअप गंदा दिखता है, आप जानते हो। और ये इस भाई साहब, ये जो बीस्ट है ना, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं। लेकिन यार इस सेटअप में एक दिक्कत है, वो दिक्कत पता है क्या है भाई? ये जो स्क्रीन है ना, कभी कभार लैग करती है या कभी कभार बंद हो जाती है, तो इसमें कुछ दिक्कत है। तो इसलिए मैंने एक नई स्क्रीन भी मंगवाई है जिसकी मैं अभी अनबॉक्सिंग करके यहाँ पर लगाऊंगा, जिससे की वजह से हमारा सेटअप और तगड़ा हो जाएगा। और ये देखो भाई, यहाँ पर प्यारा सा एक माइक है जिसमें से आपको मेरी यूजुअली वीडियो सुनाई देती है। आप कहते हैं ना भाई कमेंट में आपकी वीडियो में काफी अच्छी आवाज है, वो इसी माइक की वजह से है। तो चलो अभी अनबॉक्स करते हैं हमारी नई स्क्रीन को। तो ये है हमारी स्क्रीन का डब्बा जो हमारे सामने रखा है भाई, रखते हैं। ये हमारा स्टैंड है, इसको भी साइड में रखते हैं। और कुछ वायर्स और है, लेकिन यार इनमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है इसके नीचे जो चीज छुपी है। यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन का एक और स्टैंड है। ओके भाई ठीक है, लेकिन सबसे मेन हमारी स्क्रीन आ चुकी है बॉयज, लेट्स गो। इसके अंदर तुम्हारा भाई अब खेलेगा मस्त माइनक्राफ्ट वैलोरेंट सारे गेम। देखो जरा ये है गेमिंग स्क्रीन, और जल्दी से इसको अपने सेटअप में लगाते हैं एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो दोस्तों मैंने लगा लिया AOC का 27G4 मॉनिटर जो मैंने मंगवाया था, एंड चलो अब देखते हैं कि भाई इसका रिस्पांस कैसा है गेमिंग के अंदर और बाकी चीजों में भी। वैसे तो काफी बड़ी स्क्रीन है भाई, मजा आने वाला है। इसमें आपको स्क्रीन की एक और बड़ी ऐसी चीज बताता हूँ, इसके अंदर है 180Hz। लाइक सही सुना पे 180Hz भाई, इतनी ज्यादा स्मूथ है। 4K वॉलपेपर भी काफी स्मूथली चल रहा है। और इस स्क्रीन ना भाई गेमर्स के लिए बनी है। लाइक मैं यूजुअली कभी कभार ऐसे लेट की गेमिंग या मूवीज देखता हूँ, तो भाई मैं इसको या तो ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, ऐसे मूव कर सकता हूँ, भाई अपने हिसाब से मैं इसको सेट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से भाई मेरा कंफर्ट और बढ़ जाता है। और जो ये मॉनिटर है AOC 27G4, भाई इसके अंदर HDR10 का सपोर्ट मिलता है। लाइक जिसकी वजह से भाई इतनी क्लियर इमेज हमको देखने को मिलती है। भाई एक स्क्रीन में इतना सारा चीजें मिल रही है, वाओ। मेरे को एक और बढ़िया सी चीज पता लगी है भाई, यहाँ पर ना गेम सेटिंग्स है। लाइक इसके अंदर 6 गेम मोड्स है, मतलब मैं अपने हिसाब से इस स्क्रीन को गेमिंग के लिए कस्टमाइज कर सकता हूँ। एंड थैंक्स टू टियर फ्री फ्लूइड स्क्रीन भाई, जिसकी वजह से विदाउट एनी इंटरप्शन मैं अपनी गेमिंग को यहाँ पर कंटिन्यू रख सकता हूँ। वाओ भाई प्यार हो रहा है मेरे को स्क्रीन से। तो दोस्तों मैंने इसमें घंटों गेमिंग करी है, एंड भाई इसमें एक टेक्नोलॉजी है वो है फास्टर IPS, जिसमें अराउंड 1 ms का रिएक्शन होता है। दूसरी चीज भाई, इसकी जो एजेस है वो काफी ज्यादा शार्प है और स्क्रीन भी काफी ज्यादा स्मूथ है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई स्क्रीन की वजह से मेरे 1-2 किल ज्यादा हो चुके हैं, मतलब लाइक जो मैंने गेम में करे थे। भाई इस मॉनिटर की वजह से ना मेरा गेम प्ले काफी ज्यादा बेटर हो चुका है, क्योंकि जो नॉर्मल मॉनिटर है उससे तो भाई कई ज्यादा बेटर है ये।
क्योंकि मैं ज्यादातर FPS गेम प्ले करता हूँ और जो RPGs गेम्स होते हैं भाई उनमें भाई FPS और हर्ट्ज बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड सारी चीज इस मॉनिटर में है ही ऑलरेडी। एंड अभी तो भाई सेल भी चल रही है, ये मॉनिटर आपको 40% ऑफ मिलेगा सिर्फ 15,900 रुपीज में। आप इस मॉनिटर को अपना बना सकते हो भाई, मैं तो चला जल्दी से खेल ले। अगर आपको ये मॉनिटर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी क्लिक करो और खरीद लो इस मॉनिटर को।